हेलो फन, हो सकता है आपके के पास एक पोटैटो पीसी हो। मेरे पास भी है। एंड आपको गेम्स खेलने का तो शौक होगा ही, सबको होता है, शायद आपको भी हो। एंड GTA 5, इसे कैसे बोल सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट गेम है बोल सकते हैं, जो लोगों को समझ में आती है। एंड इसका बहुत बड़ा सीरीज़ है, बट आपका डुअल कोर प्रोसेसर उसे चला नहीं सकता। तो मैं बताऊँगा आपको GTA 5 Lite के बारे में, जो कि इस वीडियो में मैं इसे पूरे बता दूंगा, ये कब आने वाला है, कैसे आने वाला है, किसे बनाया। तो इसे बनाने वाले लिमिटेशन 4D है, एक यूट्यूबर है, आप मैं उनके चैनल का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। एंड GTA 5 इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, एंड कुछ वो ऐसा दिखता है नॉर्मली, आपने देखा होगा, एंड वो कुछ ऐसा हो गया, यानी बोल सकते हैं ग्राफिक्स बढ़ा दिए। तो ग्राफिक्स बढ़ा दिए तो कैसे चल रहा है गेम आखिरकार? तो मैं बता रहा हूँ कि इसके सबसे हाईएस्ट ग्राफिक्स को भी आप डुअल कोर प्रोसेसर और बहुत कम ग्राफिक्स में बोल सकते हैं एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड 60 FPS नेटिव शेडोड और एक लाइटर, तो आप जैसे ही पता चल रहा है नेटिव यानी सबसे ज़्यादा, शेडो यानी मीडियम, और लाइटर मतलब सबसे कम। लाइटर वाले में सबसे ज़्यादा फ्रेम्स आएंगे, नेटिव वाले में सबसे कम, एंड शेडोड में बीच वाला। तो नेटिव की बात कर लेते हैं, तो नेटिव से शुरुआत करेंगे हम लोग। नेटिव के स्पेक्स, उसके लिए आपको 4GB RAM चाहिए, CPU i3-6100 और चाहिए डुअल कोर एंड HD 530 ग्राफिक्स। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शेडोड की, उसमें भी 4GB RAM और इंटेल i3-6006U और इंटेल HD 520 ग्राफिक्स, और सब में 44GB स्टोरेज आपको चाहिए। उसके बाद बात करें लाइटर की, तो 4GB RAM और i3-3110M2 कोर का प्रोसेसर और 4000 ग्राफिक्स इंटेल का वाला मिल जाएगा। आपको पता ही होगा जैसे कि 100 GB और 150 GB के बीच में GTA 5 डिसाइड करता, तो क्या किया है जो ऐसे 44 GB हो रहा है, तभी तो चल पाएगा, कम रहेगा स्टोरेज, तभी तो गेम अच्छा सा रन हो पाएगा। तो गेम्स में कुछ कुछ चीज़ों को हटा दिया गया, जैसे रेंडर डिस्टेंस को कम कर दिया गया है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो बगी बना देते हैं या बोल सकते हैं हैवी बना देते हैं गेम को, जैसे कुछ कुछ मोशंस, कुछ कुछ टेक्स्चर्स को घटा दिया गया। एंड ये सबसे लाइटर प्रीसेट वाला है, मैंने सबसे कम सेटिंग ग्राफिक सेटिंग्स वाला, ये नेटिव स्टार्टिंग में जो था वो नेटिव था, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आपको। बट अगर आपको GTA 5 खेलना है अपने डुअल कोर प्रोसेसर वाले लैपटॉप PC में, तो आप वही काम चलाना पड़ेगा, वरना एक नया PC बिल्ड कीजिए। एंड आपको भी पता है PC इसकी दाम अभी बढ़ चुके हैं मार्केट में, एंड वो अभी ईयर एंड तक ठीक हो सकता है। ओरिजिनल गेम प्ले को दिखा देता हूँ, तो यह कुछ ऐसा होता है। Hey homie, where you from? What it do? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स पे भी काम है, ऐसा नहीं है कि पूरा गेम का डिटेल्स ही गायब कर दे, क्योंकि GTA 5 डिटेल्स के लिए जाना जाता है। एंड इसमें हर टाइप के वेदर मिल जाते हैं, एंड डिफरेंट डिफरेंट वेदर्स को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रात में हम देख सकते हैं कुछ ऐसा है सीन दिखता है आपको, एंड यहाँ पे वेजिटेशन में भी लैग नहीं आता, जैसे हो सकता है कि गेम को थोड़ा सा कम किया गया हो, कंप्रेस किया होगा तो लैग आ जाए, बट यहाँ पे हर एक चीज़ को डाला गया है एंड हर एक चीज़ के लिए टेक्स्चर्स बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी घटिया है। तो अब मैंने आपको गेम प्ले के बारे में तो बता दिया, बट अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉन्च डेट कब है, पेड है या फ्री है, ये GTA ऑनलाइन है क्या नहीं है इसमें। तो लॉन्च डेट वाले को तो मैं अभी हटा देता हूँ साइड में, सबसे पहले मैं पेड है या नहीं है और GTA ऑनलाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो पेड है या नहीं है, तो पेड नहीं, ये फ्री है, एंड लिमिटेशन 4D ने खुद बोला है कि ये फ्री है।
एंड RNGT ऑनलाइन तो हो नहीं सकता क्योंकि ये एक बोल सकते हैं क्रैक वर्जन है एंड कंप्रेस वर्जन है, तो ये नहीं है। एंड अब लेविटेशन 4D ने गेम बनाते टाइम एक जो दिक्कत कर दी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि लॉन्च डेट में आपको बताने वाला था कि लॉन्च डेट मैं आगे बताऊंगा। तो वो लॉन्च डेट लेविटेशन 4D के अकॉर्डिंग तो 7th of February होने वाली थी, यानी ये 7th of February 2022। एंड बट उन्होंने GTA 5 लाइट बनाते टाइम एक दिक्कत कर दी कि उन्होंने GTA 5 जो कि टेक टू की है एंड टेक टू जो कि रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी है उसके उसके पास सारे राइट्स है GTA 5 के, एंड कोई भी उसे कंप्रेस करके या क्रैक करके ऐसे ऑनलाइन तो बेच नहीं सकता या बोल सकते फ्री में नहीं दे सकता। तो उन्होंने एक्शन लिया है एंड लेविटेशन 4D ने बोला है कि हाँ मैं गेम पब्लिश नहीं करूँगा। बट यहाँ पर फैंस लोग बहुत दुखी हैं कि GTA 5 लाइट आ रहा था डुअल कोर प्रोसेसर के लिए सब लोग खेल पाते, बट उन्होंने प्रॉमिस किया है कि अब नहीं आ रहा है तो मैं आपको ट्यूटोरियल बता दूंगा जिससे आप GTA 5 खुद ही बना सकेंगे, यानी कुछ वो फाइल का लिंक दे देंगे एंड आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा एंड कुछ कुछ चेंजेस करके आप GTA 5 लाइट खुद अपने PC में खेल सकेंगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, उनका ट्यूटोरियल बना रहे हैं, वो चैनल पे आ जाएगा कुछ दिन में। एंड अब बात कर लेते हैं, तो वो एक शूटर गेम पे भी काम कर रहे हैं जो कि बहुत फ्यूचरिस्टिक होने वाला है, जिस बोल सकते हैं मॉडर्न शूटर गेम पे वो बोल रहे हैं काम कर रहे हैं। एंड एक बैटल रॉयल गेम पे है वो काम कर रहे हैं जिसका आप देख सकते हैं फ़ोटो उन्होंने खुद भेजा था। और आगे बात कर लेते हैं कि GTA 5 लाइट पे मैंने वीडियो बनाया इतना टाइम से मैंने क्यों नहीं बनाया, तो स्टार्टिंग ये सारे वीडियोस को जोड़ा है मैंने एंड अराउंड 15-20 वीडियोस को एक वीडियो में समरअप किया है मैंने। एंड मैं चाहता था कि एक वीडियो में आपको सब कुछ बता सकूं, तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।